हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक व्यूज को आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करना डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे हमने पहले भी और वीडियोस आपने देखे होंगे जो हमने इस पर डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको पहले समझा जाए, फिर उसके बाद आगे हम और इसकी डेप्थ में जाएंगे। ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द मशीन पार्ट हूज फ्रंट एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यूज आर शोन इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, दैट मींस हमको ये पता होना चाहिए कि फ्रंट व्यू के दोनों साइड्स जो व्यूज बनेंगे, अगर आप लेफ्ट से देखते हैं तो राइट में जो व्यू बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। अगर आप राइट से देखते हैं तो लेफ्ट में जो व्यू बनेगा वो उसका राइट हैंड साइड व्यू होगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा ऑलवेज कि राइट से देखने पे लेफ्ट पे बनता है और लेफ्ट से देखने से राइट पे बनता है। अब इन दोनों में से पहले हमको ये डिसाइड करना है कि फ्रंट व्यू है कौन सा, क्योंकि ऑब्जर्वर है वही भी शो नहीं किया और ना ही मेंशन किया है कि फ्रंट व्यू कौन सा फिगर है। अगर हम इसको मान लीजिए फ्रंट व्यू मानते तो इसमें पहले मेंशन किया लेफ्ट हैंड साइड व्यू और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है मतलब लेफ्ट से देखते तो राइट पे बनता, तो इसके राइट पे कुछ नहीं है, तो ये रूल आउट हो गया कि ये फ्रंट व्यू तो किसी हालत में नहीं। और अगर हम इसको फ्रंट व्यू कंसीडर करते हैं तो यस, ये जो स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई करती है कि लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट का व्यू जो बन रहा है वो उसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। एंड वन मोर थिंग, इसकी जो लेंथ है, इन जनरल ऐसा माना जाता है, इट इज नॉट मैंडेटरी बट ऐसा माना जाता है कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसको हम अक्सर फ्रंट व्यू के लिए कंसिडर करते हैं, बट ये कहीं भी ऐसा रूल है ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो हमने जो रूल अप्लाई किया वो ये है कि ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट व्यू बना उसके लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड व्यू बन रहा है, इसलिए हमने इसको कंसीडर किया फ्रंट व्यू, इसको किया लेफ्ट हैंड साइड व्यू। नेक्स्ट, अब इसका आइसोमेट्रिक व्यू अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको आइसोमेट्रिक स्केल की कहीं भी जरूरत नहीं है, आपको स्टार्ट करना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन से और यहां से 30 डिग्री के एंगल पर दो लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने सभी क्वेश्चंस पे किया है और आइसोमेट्रिक व्यू स्टार्ट करते समय यही हमारा बेसिक स्टेप होता है। अब आपको लेंथ देखनी है, लेंथ हम इसकी राइट हैंड साइड में रख रहे हैं और विड्थ हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं। फ्रंट व्यू में हमेशा हमको लेंथ और हाइट दिखती है और साइड व्यू में हमको हमेशा विड्थ और हाइट दिखती है। तो आपको तीन ही डायमेंशन की मेन बेसिकली जरूरत होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो हाइट हम इसको ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कैसे? हम इसको लोअर ब्लॉक और अपर ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं। अपर ब्लॉक कहां प्लेस्ड है दैट वी विल डिस्कस लेटर। अभी लोअर ब्लॉक की डायमेंशन कितनी है, मैक्सिमम लेंथ 75, विड्थ कितनी है इसकी लोअर ब्लॉक की 50, हाइट कितनी है 32। तो चलिए, हमने जब लेंथ का प्लान किया तो यहां पर ये 25, 25 और 25, सिमिलरली इस साइड भी 25 और 25 हमने मार्क कर लिया। विड्थ हमारी 50 है और लेंथ हमारी 75 है, हाइट कितनी है 32। तो ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं लाइन और यहां पर ये हो गया 25, तो 32 में से 25 अगर आप माइनस करते हैं तो 7 बचा, दैट मींस ये इसकी हाइट हो गई 32। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेंथ के पैरेलल लेंथ दो जगह बनेगी, यहां और यहां, और विड्थ के पैरेलल विड्थ भी दो जगह बनेगी, यहां और यहां। देन हाइट के पैरेलल हाइट भी दो जगह बनेगी, यहां पर और यहां पर। तो ब्लॉक का आउटर बाउंड्री के साथ हमने ये समझ जाएंगे कि ये ब्लॉक की मैक्सिमम बाउंड्रीज कहां तक आ रही है, ठीक है।
इनिशियली आप लेंथ कितनी भी ड्रॉ कर लीजिए, जब पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उतने ही लेंथ मिलेगी, हाइट मिलेगी हमको जितना हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। तो चलिए अब इसकी लेंथ के पैरेलल लेंथ ड्रॉ की जाए। पहले तो जब लेंथ के पैरेलल लेंथ आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमको ये यहां पर ऐसा दिखा, ठीक है। अब विड्थ के पैरेलल विड्थ जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, व्हाट नेक्स्ट। अब आपको अगेन यहां पर लेंथ के पैरेलल लेंथ प्लॉट करनी है, तो इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की हमने, और विड्थ के पैरेलल जब आप विड्थ ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से हमको ऑब्जेक्ट का व्यू दिखता है, ठीक है। ये देखा जाए, यहां से चेक कर सकते हैं हम, तो ऑलमोस्ट ये बराबर लेंथ है जो विड्थ की हमें यहां से पिक की। देखिए ये और ये कितनी हो गई। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, हमको इसमें एक हिडन लाइंस का पेयर दिख रहा है, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये एक्चुअली वी ग्रूव है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वी ग्रूव वहां कट करेंगे, ठीक है, अगर हम यहां पर इस तरह से वी ग्रूव कट कर दें, ये देखिए, और ये वी ग्रूव किसी डेप्थ किसी लेंथ तक जा रहा है, तो ये जो वी ग्रूव कटने से मटेरियल निकलेगा वो हिडन लाइन आपको यहां शो होगी उसकी लेंथ तक, और वो लेंथ है 36। तो पहले हम वी ग्रूव को लोकेट कर लें। वी ग्रूव क्या है, इस तरफ से 9 और इस तरफ से 9 छोड़ते हैं तो बीच में 24 बच 32 बचेगा, बिकॉज़ टोटल विड्थ इज 50 तो माइनस 18 कर देंगे तो 32 बचा। तो ये जो 32 है उसको हम लोकेट करें पहले, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, अब हम आते हैं यहां पर, सिंस ये बीच में 25 पे आ रहा है, टोटल विड्थ इज 50, तो ध्यान रखिएगा अगर हम बीच की लेंथ जो 32 है तो 32 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। तो यहां पर ये आ गया 16 और यहां पर ये आ गया 16। ध्यान दीजिएगा अगर 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 बचा, तो ये बाय डिफॉल्ट ये 9 9 हो गया दोनों तरफ, इसका ये एक तरीका है। अब इस वी ग्रूव की डेप्थ कितनी है, ये कितने नीचे तक आ रहा है, तो नीचे से 15 के पर नॉच आ रही है इसकी, तो टोटल हाइट इज 32 मतलब 16 उसका हाफ होता, और उसके जस्ट 1 मिलीमीटर नीचे ले जाइए तो वहां पर उसकी नॉच आ रही है उस लेवल पर। तो हम यहां लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जब हमने यहां पर लाइन ड्रॉ कर ली, अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इस नॉच के जो 16 हमने लिया था और ये 25 के पॉइंट से हम नीचे लेके जाते हैं, ड्रॉप करते हैं। जब आपने इसको नीचे ड्रॉप किया तो ध्यान दीजिएगा यहां से इसको आप ज्वाइन करेंगे डार्क और इसको आप ज्वाइन करेंगे डार्क, ये दोनों डार्क ड्रॉ हो जाएंगी, और डार्क ड्रॉ होने के बाद ये 9 मिलीमीटर देन 32 और ये 50, इस तरह से हमने इसको डार्क ड्रॉ किया। ध्यान रखिएगा ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये लाइन बहुत लाइट लाइन है, ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन है, तो कोई भी विजिबल लाइन नहीं है इनमें से, हमको इरेज नहीं करना है, हमको ड्रॉ करते वक्त ही इसको इतना लाइट ड्रॉ करना है कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो विजिबल एजेस हैं उसके ऊपर इनका कोई
इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, अब बात आती है आगे इसको सॉल्व करने की। तो हमको एक ब्लॉक रखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ब्लॉक की लेंथ वाइज हम पोजिशन देखें तो 75 तो टोटल लेंथ है और ये एकदम राइट मोस्ट 24 है। तो पहले हम 24 की लोकेशन तो ड्रॉ करते हैं, हमको ये मालूम है कि ये 25 25 25 है। दैट मींस कि यहां से 1 मिलीमीटर नहीं कम होगा। तो चलिए इसको यहां से पिक करके यहां तक भी ले जाएं, हम उसको लोकेट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके इस डायरेक्शन में वो नहीं आएगा, वो सिर्फ उधर उधर ही रहेगा। बात मुद्दे की अब ये है कि अगर हमने इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक को सुपर इम्पोज किया तो उस ब्लॉक की जो, मान लीजिए ये ब्लॉक है, अब ये सामने होता तो यहां पर ये एज नहीं दिखाई देती, यहां पर जो एज दिखाई दे रही है आपको, इज दैट क्लियर? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि ये ब्लॉक इधर कहीं है। और ये चीज हमको पता लगेगी, मानने से कुछ नहीं है, हमको पता भी लगेगा जब आप साइड से देखेंगे। तो देखिए इसका ये जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, इसमें हमको ये डायमेंशन पता लग गई है। और ये डायमेंशन क्या है इसकी, 12 मिलीमीटर। तो हमको ये पता लग गया कि ये 12 मिलीमीटर की जो लेंथ है विड्थ वाइज, उसको हमको लोकेट कर लेना है। तो ये मान लीजिए इसकी 12 की डायमेंशन हो गई। ठीक है, अब जब ये 12 की डायमेंशन आपने प्लॉट कर ली इसकी यहां पर, तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले आगे बढ़ते हैं, हमको क्या पता लग गया, ये जो कॉर्नर है ये इसमें कितना पीछे की तरफ है, और ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं वो ये कॉर्नर है। ठीक है, समझते जाइएगा ध्यान से। अब इसकी हाइट कितनी दी हुई है ब्लॉक की, 24। तो हम एक काम करते हैं, 24 हाइट प्लॉट कर देते हैं इसकी, 24 यहां पे भी प्लॉट कर दी जाए। ये हाइट यहां लीजिए, यहां तक बना दीजिए। आफ्टर प्लॉटिंग दिस 24 हाइट, हमको ये समझना है कि ये कहां तक 24 विड्थ वाइज भी है, बिकॉज आगे जाके वो डाउन होगा, मतलब ये आगे तक पूरा स्ट्रेट जाकर के ऐसे नहीं जा रहा, ये कुछ लेवल तक जाएगा हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, देन इंक्लाइंड पे आ रहा है वहां पर। तो उसकी भी डायमेंशन हमको क्या दी हुई है, 24। तो हमको ये 24 के डिस्टेंस पर प्लॉट कर देना है। ध्यान रखिएगा टोटल जो विड्थ इसकी थी यहाँ पर, हम रेफरेंस के लिए अभी से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको समझने में कोई दिक्कत ना जाए आगे इसके डायमेंशंस को। ये 50 है, 12 ऑलरेडी हमने निकाल दिया है, और 12 निकाल देंगे 24 हो जाएगा, और 12 हम यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो बचेगा कितना, 14। तो दैट मींस कि हमने यहां पर कहीं इसको लोकेट किया। अब यहां से जब हाइट होगी अगेन, वो हाइट कितनी होने वाली है, ये 24। ठीक है, सिमिलरली यहां से आगे लेके गए इसके पैरेलल, और यहां से भी 24 की लाइन ड्रॉप कर दी। जब ये 24 24 डायमेंशन की आपकी वॉल्स के लिए एजेस हमने इरेक्ट कर दी हैं, तो अब हमारी टास्क है कि इनको जॉइन कर दिया जाए। जो स्लैंट फेस है उसको भी ड्रॉ करना है। तो स्लैंट फेस आ रहा है यहां पर, ठीक है, देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड से जब हमने देखा तो ये कैसा दिखेगा, कितना डार्क दिखेगा, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड से देखने पर ये इतना पोर्शन डार्क होगा, और जब फ्रंट से देख रहे हैं
तो इसका ये फेस आपको दिखेगा। और क्योंकि आप इसको 30 डिग्री एंगल पर देख रहे हैं तो आइसोमेट्रिक है, इसलिए आपको ये लाइन भी डार्क दिखेगी, दो लाइंस। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये ब्लॉक भी क्रिएट हो गया। अब यहां पर जो वी कैविटी जो हमने ड्रॉ की थी, उस वी कैविटी की लेंथ कितनी है वो भी देख लीजिए। कटिंग वाला काम हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो ये 36 लेंथ, तो 36 मतलब 25 से तो ज्यादा ही होने वाला है ये, तो इसलिए ये लेंथ यहां तक चली गई। सिमिलरली यहां से भी ये लेंथ आगे तक चली गई। ठीक है, अब जब आप इसको ड्रॉ कर देते हैं तो इस वी ग्रूव को आपको यहां तक ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखिएगा, जब ये वी ग्रूव है तो मतलब दो स्लैंट सरफेसेस हैं, दो स्लैंट सरफेसेस आकर के ऐसे कट रहे हैं। दैट मींस कि यहां पर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये लाइन ड्रॉ हो गई इस फिगर में। अब बाकी की जो आउटलाइनिंग है वो डार्क होनी होती है और हम उसको डार्क करते हैं। ये देखिए, ये लाइन डार्क नहीं होगी, ये लाइन लाइट ही रहेगी और हम उसको कुछ मिटाएंगे भी नहीं उसको। तो इस तरह से ये फिगर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम डायमेंशनिंग वाला पार्ट करते हैं इसका। तो डायमेंशनिंग में ये लेंथ 75 है एंड इसका फ्रंट व्यू इस तरफ से देख रहे हैं, इसलिए हमने ऑब्जर्वर्स एरो भी ड्रॉ कर दी है यहाँ पर। अब ऑब्जर्वर्स एरो ड्रॉ करने के बाद इसकी हाइट भी शो कर देते हैं। हाइट है इसकी 32, तो ये 32 आपने हाइट शो कर दी है यहाँ पर। अब बात आती है इस बी ग्रुप के नॉच की, वो नॉच कहाँ तक आ रहा है, वो नीचे से 15 मिलीमीटर है एंड इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक 36 है। ये भी हो गया। अब और क्या हमको ये बताना है कि यहां पर वी नॉच कहां से स्टार्ट हो रही है विड्थ वाइज, तो ये 9। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करके ये भी 9। 25 उसकी लोकेशन है, ये भी हमको बताना है। तो चलिए हम यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करके बता देते हैं कि जो नॉच जहाँ तक आ रही है वो है 25 मिलीमीटर, मतलब बिट ऑफ द विड्थ। अब ब्लॉक पे आते हैं जो इसके ऊपर रखा हुआ है, इसको हमको यहां बताना है 24। तो ये हमें 24 बता दिया। हाइट ऑब्वियसली वो भी यहां पे मेंशन है 24, 20 में हमको दिख रहा है उसकी हाइट कितनी है, 24 है। अब आती है ये वाली, और ये जो 24 है ये आपको यहां से पिक करना है लेंथ को। ये लीजिए यहां पर तो 24 मेंशन हो गया, ये डायमेंशन हमारी ठीक है कंप्लीट। 24 24 24 लेंथ वाइज 24, हाइट वाइज 24, विड्थ वाइज 24। बाकी का ये जो पोर्शन है वो एडिशनल है, उसकी डायमेंशन हमने वहां मेंशन नहीं करनी है बिकॉज हम उसकी डायमेंशन रिमेनिंग जो है 12 वाली वो यहां शो कर रहे हैं, इसलिए नीड नॉट टू शो डायमेंशन ऑन द अदर साइड। तो ये 12 ड्रॉ हो गए। तो इस तरीके से ये डायमेंशनिंग कंप्लीट हुई इसकी।
और इस फिगर में कहीं भी कोई डायमेंशन हमको शो करने की जरूरत नहीं है, सब जो वहां शो हुआ था हमने यहाँ शो कर दिया है। तो आई होप कि आप सबको इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।